हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, आप एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी में कोई भी ब्लूटूथ वायरलेस रिमोट कैसे कनेक्ट कर सकते हैं आपके एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी में। तो आपको यही बताने वाला हूं दोस्तों, बहुत सिंपल स्टेप है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास ये वायरलेस रिमोट है, तो अभी इसको आपको कनेक्ट कर बताऊँगा स्मार्ट टीवी में। तो सबसे पहले आपको जो है स्मार्ट टीवी की सेटिंग में आना है। तो यहाँ पर ये स्मार्ट टीवी का रिमोट है, आप इस रिमोट का यूज़ कर सेटिंग को ओपन कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर सेटिंग के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, सेटिंग ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर रिमोट एंड एक्सेसरीज के ऊपर क्लिक करना है, ऐड एक्सेसरीज के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको जो है यहाँ पर आपका वायरलेस रिमोट शो हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको यहाँ पर आपका वायरलेस रिमोट शो नहीं हो रहा है, तो आपको जो है यहाँ पर इस रिमोट में जो सेंटर का बटन दिख रहा है, आपको उसको होल्ड करना है थोड़ी देर के लिए। 3-4 सेकंड तक आप इस बटन को होल्ड कीजिए, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है वायरलेस रिमोट का जो ब्लूटूथ का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। तो आप इस रिमोट से इसको क्लिक कर यहाँ पर कनेक्ट कीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कनेक्ट होने तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर ये जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर माउस कर्सर शो हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं माउस कर्सर यहाँ पर अब ये शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप इजीली वायरलेस रिमोट जो है कनेक्ट कर सकते हैं आपके एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी में, और ये प्रॉपरली वर्क भी कर रहा है, कहीं पर भी आपको लैग देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों, बहुत सिंपल है, आप जो है इस तरीके से आपके एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी में वायरलेस रिमोट जो है कनेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक कर देना, और इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।